हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी सुप्रीम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पर ही होममेड स्क्रब बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही इजी हैं। एक्सफोलिएशन स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्क्रब हम ऐसी चीज़ों से बनाएंगे जो हमारी घर के किचन में ही अवेलेबल हैं। ये सभी टाइप के स्किन के लिए अच्छे हैं, साथ ही इनका यूज़ करने के बाद आप इंस्टेंट ग्लो और चेंजेस फील करेंगे। स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रब बनाना। कॉफ़ी कोकोनट स्क्रब बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे कॉफ़ी, 1 टीस्पून कॉफ़ी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉफ़ी दरदरी होती है, ये एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से 30 सेकेंड तक इसको हिलाएंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब धीरे धीरे इसे इस तरीके से हल्के हाथों से लेंगे और स्क्रब करेंगे। ये डेड स्किन को हटाती है। आप अपने फेस, नेक एरिया, हाथों पे, पैरों पे इस स्क्रब को कर सकते हैं। ये देखिए कितने इजीली हो रही है इस तरीके से। दो मिनट तक इसे करेंगे इस तरीके से, सर्कुलर मोशन में करेंगे। दो मिनट के बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। ये देखिए इस तरीके से। सेकंड स्क्रब बनाने के लिए मैं लूंगी पिसी हुई चीनी 1 चम्मच, 1 चम्मच हनी, 1 बूंदे लेमन जूस की डालेंगे। अगर आपको लेमन जूस से एलर्जी है तो इसका यूज़ ना करें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आपका बहुत अच्छा स्क्रब तैयार है। ये स्किन पे मॉइस्चराइज बनाए रखता है। देखिए इस तरीके से ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी कम करता है। इसको हर टाइप के स्किन के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं स्क्रब को। देखिए सर्कुलर मोशन में करना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर ना दें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बिल्कुल हल्के हाथों से, या एक्स्ट्रा ड्राई है तब भी हल्के हाथों से ही करें, नहीं तो स्किन पे रैशेस आने का डर होता है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे करेंगे 2 मिनट तक। नोज़ के एरिए पे, लिप के एरिए पे आप ज़रूर अच्छे से इसको स्क्रब करें, क्योंकि वहाँ पे हमारी डेड स्किन होती है। और इसको इस तरीके से स्क्रब करने के बाद 5 मिनट तक रखें और फिर नॉर्मल पानी से धो दें। अब हम बनाएंगे राइस टमाटो स्क्रब। इसके लिए मैं लूँगी 1 टीस्पून राइस, 1 टीस्पून मैं टमाटो का पल्प लूंगी, 1/2 टीस्पून मैं लूंगी एलोवेरा जेल,
1 टीस्पून लूंगी मैं रोज़ वाटर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इस तरीके से अब इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन से करेंगे इसे स्क्रब। ये स्क्रब स्किन को स्मूथ बनाता है, डार्क स्पॉट को लाइट करता है, स्किन को नरिश करता है। इसे इस तरीके से फेस पर 10 मिनट तक स्क्रब करें। डेड स्किन को भी हटाता है। राइस में डेड स्किन को हटाने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और स्किन को एक दो लाइट शेड लाइट भी करता है। ये देखिए इस तरीके से करके आप 10 मिनट 2 मिनट तक इसको पहले स्क्रब करें, फिर 10 मिनट इसे रहने दें। अच्छे से कर लें फेस को, नेक को, अपने हाथों को, कोनियों को, पैरों को। देखिएगा आपका कितनी डेड स्किन आपकी निकलेगी। देखिए हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में करेंगे। देखिए ये देखिए। मसूर दाल के स्क्रब को बनाने के लिए मैंने मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल होती है, उसको पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। पाउडर दरदरा ही बनाएंगे। इसी तरीके से राइस का जो मैंने स्क्रब बनाया है उसको भी मैंने घर में ही पीसा था, वो भी दरदरा ही बनाएंगे। तो ये इसको दरदरा बना लिया है और इसके साथ मुझे चाहिए दूध 2 चम्मच और मसूर की दाल 1 चम्मच, दूध 2 चम्मच। इसको पहले ही 10 मिनट के लिए भिगो देंगे तो इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं। इस तरीके से इस तरीके से और अब इसमें 1 पिंच हल्दी डालेंगे। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, ये सभी को पता है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दाल को मैंने 10 मिनट पहले भिगो लिया था, दूध में ही भिगोना है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो उबला हुआ ले सकते हैं, लेकिन वो फ्रिज का ठंडा होना चाहिए, या फिर इसे गुलाब जल में भी भिगो सकते हैं। और अब इस तरीके से इसको स्क्रब करेंगे हल्के हल्के हाथों से। बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है मुझे कि जैसे मैं क्रीम लगा रही हूँ, हल्का बिल्कुल इस तरीके से करेंगे इसे। दूध एक अच्छा क्लींजर है, मसूर की दाल के साथ ये एक अच्छा स्क्रबर बनता है। लाल मसूर की दाल दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को कम करती है। इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह ये काम करती है, डेड स्किन को रिमूव करती है। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से करेंगे पूरे अपने फेस पे। 10 मिनट तक भी इसे भी 10 मिनट करेंगे और फिर 15 मिनट के लिए अपने फेस पे इसे रहने देंगे। आप देखेंगे आपके फेस में कितना ग्लो आया है। स्क्रब बहुत ही अच्छा है। ये देखिए बेसन के स्क्रब बनाने के लिए मैं लूंगी 2 टीस्पून बेसन। एक बड़ा चम्मच दही का और थोड़ा सा गुलाब जल। अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। इसे तो आप पूरी बॉडी पर नहाने से पहले यूज़ कर सकते हैं। ये एक उपटन की तरह है। इसे आप नहाने से पहले साबुन की जगह अपनी पूरी बॉडी पर स्क्रब करके नहा सकते हैं। इसे आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से
ये स्क्रब स्किन की झुर्रियों को, डार्क स्पॉट्स को ठीक करता है। ऑयली स्किन के लिए बेसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये टैनिंग को भी दूर करता है, दाग धब्बों को भी दूर करता है और स्किन पर ग्लो लाता है। आप साबुन ना यूज़ कर इसे साबुन की तरह यूज़ करें, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी स्किन पर कितना ग्लो है। ये क्रीम की तरह है, इसे बॉडी पर भी जब आप लगाते हैं तो लगाएं और 2 से 3 मिनट तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट्स रखकर फिर अपना नहा लें या फेस वॉश कर लें। देखिएगा आपको अलग ही फील होगी, आपकी स्किन किस तरीके से ग्लो कर रही है, किस तरीके से सॉफ्ट हो गई है, स्मूथ हो गई है, ये देखिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ऑयली है या फिर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तो प्रेशर बिल्कुल भी ज़्यादा ना दें, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करें, नहीं तो रैशेस हो जाएंगे। ये सभी स्क्रब जो हैं वीक में एक बार ही करें, लेकिन ये जो बेसन दही का स्क्रब है इसे आप डेली भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है डेली करने से। स्किन इन स्क्रब से स्किन आपकी स्मूथ शाइनी होगी, ग्लो आएगा और ड्राई और ऑयली स्किन का ट्रीटमेंट भी घर पर ही इजीली हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।